मिर्जापुर थाना कोतवाली का एसपी सिटी संजय कुमार वर्मा ने वार्षिक निरीक्षण किया, जिसमें थाने पर रखे अभिलेखों, थाने की साफ सफाई व अन्य कार्यों को जांचा परखा गया। देखिए हमारे संवाददाता तौसीफ अहमद की रिपोर्ट। बताया गया थाना कटरा कोतवाली के आपके द्वारा वार्षिक निरीक्षण किया गया है, क्या पाया गया? देखिए, एक तो हम लोगों का ये जो वार्षिक माना होता है, एक वर्ष जो जिसे जो बीत गया वर्ष है उसका माना किया जाता है, जैसे 2021 का माना किया जाता है। और जनपद में जो भी थाने होते हैं उनमें जो कमियाँ होती हैं, चाहे मोटी हो या जो मालखाने में हो या जो जी एल स्कूल होने चाहिए जिसे गाड़ियाँ वगैरह खड़ी रहती है, मालूम करने रखती हैं या कुछ अभिलेखों में ऐसी कमियाँ रखती हैं जो कि हमें वगैरह उसको दूर किया जाना चाहिए और थानों को निर्देश देते हैं, ताकि क्योंकि इसका उद्देश्य सुधारात्मक होता है, दंडात्मक उतना उद्देश्य नहीं होता, सुधारात्मक होता है। सफाई वगैरह हो जाती है, मेस का जो मैनेजमेंट होता है, मेस में क्या सिपाही हमारा खा रहा है, उसके वेलफेयर का भी इश्यू रहता है, उसी परिदृश्य में ये सब वार्षिक मदद किया जाता है। और इसका मूल उद्देश्य जो है बेहतरी से बेहतरी करना है, बेटर करना है पुलिस विभाग के लिए, और वही इसी क्रम में जो है वार्षिक मुआयना मेरे द्वारा किया जा रहा था। कटरा थाने का आज था और इससे पहले मैं कोतवाली शहर का भी कर चुका हूं, और इसी क्रम में और मेरे जितने भी ज्यूरिडिक्शन में थाने हैं उन सबका किया जाएगा। सर, मीटिंग रखी गई थी व्यापारियों के लिए, क्या है? आपने देखा होगा कि मीटिंग मेरे द्वारा की गई थी व्यापारियों को, जो व्यापारियों की सुरक्षा संबंधी उनके बैंक या जो भी जो बैंक के पेट्रोल पंप वगैरह से कंसर्न जो पैसे वगैरह ले जाते हैं वो, या कोई व्यापारी गलती करता है, क्या छोटी छोटी गलतियाँ करने से लोग लुटेरों को, डकैतों को, चोरों को फ़ायदा मिल जाता है, या लोग जो इस तरह के होते हैं वो चक्कागिरी करने वाले, उनको फ़ायदा मिल जाता है, उस परिदृश्य में उनके द्वारा जो गलतियाँ की जाती हैं उसी के द्वारा हिदायत दी जाती है। बाकी व्यापार मंडल के लोग भी पुलिस का सहयोग करने के लिए आश्वस्त कर रहे थे, साथ ही साथ मेरे द्वारा सभी बीट के एसआईज, कांस्टेबल्स और चौकी इंचार्जों की भी मीटिंग की जा रही है, ताकि जो शासन के निर्देश हैं और जो भी कमियाँ थी थाने पर उनको बताया सके, एचएस के बारे में, अपराधियों के बारे में और ट्रैफिक वगैरह के बारे में भी मेरे द्वारा बताया गया है, ताकि जो है एक अच्छा व्यवस्थापन मिर्जापुर पुलिस के संदर्भ में किया सके। सर, थाने के थाने क्षेत्र में जितने एचएस हैं उनके बारे में भी आपके द्वारा जानकारी ली गई? बिल्कुल, मैंने बताया इसीलिए कि इट इज़ बिकॉज ऑफ दैट ओनली कि वाई जो अपराधी है कहीं इधर उधर छुपा हुआ है या क्या गतिविधियाँ उसकी हैं, एचएस का जो होता है सीसीटीवी खोलने के पीछे ही राज होता है, ताकि अपराध और अपराधियों को निकल